हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे वीडियो ट्यूटोरियल में। हम बात कर रहे हैं एक्सेल 2021 का लास्ट चैप्टर डायनेमिक चार्ट। तो डायनेमिक चार्ट में हम क्या शो करेंगे? देखिए, यहाँ हमारा बात कर रहे हैं कि हम चार्ट में कैसे शो करेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं सर डेटा सही नहीं, इसलिए चार्ट नहीं बन रहा है। तो चलिए कुछ ट्रिक्स चार्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मुझे 20% आपको दिख रहा है, मुझे इस 20% को चार्ट में शो करना है, तो कैसे करें? इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि मैं 20% और यहाँ पे 100% लेता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके इंसर्ट करता हूँ, और इंसर्ट करते ही यहाँ पे मैं कॉलम चार्ट ले लेता हूँ। लेकिन ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए यहाँ पे हम करना है हमें स्विच रो एंड कॉलम, ताकि दोनों इस तरह से इकट्ठा आ जाए। फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाना है और इसकी जो ओवरलैप है उसको कर देना है कम, यहाँ बढ़ा देना, और गैप को भी कर देना है कम। नहीं, गैप कम करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जितना बड़ा रखना है उतना बड़ा इसके हिसाब से गैप रखिए। और उसके बाद हम क्या करना है, कुछ डिलीशन करेंगे। डिलीशन में जैसे कि इसको यहां से हटा देते हैं और इसको यहां से हटा देते हैं, टाइटल्स भी नहीं चाहिए, टाइटल हटा देते हैं और बैकग्राउंड भी हटा देते हैं, और यहां से जो वन लिखा हुआ है इस वन को भी यहां से रिमूव कर देते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं यहां से। और एक मिनट, में इसको सेलेक्ट करके इसकी जो गैप मैंने कम की थी उस गैप को बढ़ाता हूँ इस तरह से, ताकि, और चार्ट को करता हूँ छोटा ताकि फालतू की जो बाहर एरिया है वो ज्यादा ना रहे इस तरह से। लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास इसमें दो चीजें हैं। एक यहाँ चार्ट के फॉर्मूले में आप देखेंगे टू है, तो इस टू को हम कर देते हैं वन, ताकि ये पीछे चला जाए और 20% जो है वो बाहर, जैसे कि यहाँ पे बाहर। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए हम इंसर्ट में, इंसर्ट के इलस्ट्रेशंस में शेप्स में जाएंगे और हम ये जो सिलेंडर है इसको लेते हैं। सिलेंडर करते हैं डिजाइन और कलर के हिसाब से ले लीजिए, मैं रेड कलर दे रहा हूं। मैं इसका जो है पहले तो शेप को कर देता हूं नो फिल, और इसकी आउटलाइन को कर देता हूं रेड, और चाहो तो थोड़ा सा आप आउटलाइन को विड्थ को बढ़ा भी दीजिए, मैंने बढ़ा। अब मैं इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट डेटा सीरीज और इसके फिल फिल और पिक्चर्स एंड क्लिपबोर्ड। अब जो है वापस क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और सेव फॉर्मेट। अब दूसरा बार में मुझे आउटलाइन को करना है नो फिल और इसकी बैकग्राउंड कलर को करना है रेड, सेम जो जिससे आउटलाइन है वो सेम करना है, अलग अलग कलर मत रखिएगा वरना दिक्कत हो जाए। फिर इसको किया कॉपी, इसको सेलेक्ट किया और फिर फिल पिक्चर्स और फिर यहां पे कर देते हैं क्लिप। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ग्लास में पानी भरा हुआ है। अब मैं अगर अगर इसको अलग कलर करूं तो क्या होगा? तो मान लीजिए मैं इसका जो इसी जो पिक्चर्स हैं, इस पिक्चर का कलर मैं मान लीजिए कि मैं कर देता हूं ये, फिर इसको कॉपी करता हूं इसमें रखता हूं और फिर पिक्चर्स एंड क्लिपबोर्ड, तो ऐसा है। देखिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, खराब लग रहा है, इसलिए मैंने बोला कि कलर सेम होना चाहिए। अब इसमें सेलेक्ट करके राइट क्लिक एड डेटा लेवल कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। अब जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे 35, तो ऐसा लगेगा ग्लास आपका फिल हो रहा है, ग्लास आपका फिल हो रहा है 50%, सॉरी 500% हो गया ना, 50% इस तरह से फिल होगा। अब चलिए इसका दूसरा देखते हैं कि मुझे सेम हमारा 25% है, मुझे सेम इसको दिखाना है, क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हमने इसमें थोड़ा अलग करते हैं। सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं टू से, फिर 50% माइनस ये करते हैं, मतलब इक्वल 50% माइनस इसको,
मतलब इन दोनों का जोड़ 50% होना चाहिए। और फिर यहां नीचे 50% हम मैनुअल लिख देते हैं, मतलब तीनों का योग जो है 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जाते हैं हम इसमें और लेते हैं अपना पाई चार्ट। पाई चार्ट लेने के बाद इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और हम इसको जो है हटा देते हैं चार्ट टाइटल को, और इसको भी हटा देते हैं। और इसके बाद इसकी जो इसको सेलेक्ट करके इसकी जो एंगल ऑफ स्लाइस है उसको मैं 270 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। फिर नीचे वाले पोर्शन को दो बार क्लिक करूंगा तो नीचे वाला पोर्शन सिलेक्ट होगा और इसकी फिल में नो फिल कर देंगे ताकि मेरा चार्ट जो 380 डिग्री था वो सिर्फ आ जाएगा 180 डिग्री। तो 360 डिग्री, माफ कीजिएगा, 380 डिग्री तो नहीं है, 360 डिग्री है वो, हमने 180 डिग्री कर दिया। अब इस वाले पोर्शन को सिलेक्ट करके सॉलिड फिल में जाते हैं और इसका कलर हल्का सा हल्का वाला कलर लेते हैं। और फिर जो है जो स्लाइस इतना पूरा हो चुका है उसको सेलेक्ट करते हैं और सॉलिड फिल में इसको डार्क ब्लैक कलर लेते हैं या कोई और कलर ले सकते हैं। उसके बाद और इसको थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए हम फॉर्मेट में आते हैं, और बाहर से नहीं, फॉर्मेट से, चार्ट के फॉर्मेट से ही टेक्स्ट बॉक्स लीजिएगा ताकि चार्ट के पार्ट हो जाए, मूव करने में चार्ट के साथ मूव हो। इसको लिया और यहाँ पे मैंने 0% किया। एक बार और यहां से लेता हूं फॉर्मेट में, इसको यहां करता हूं 100%, और ये थोड़ा इसको सिलेक्ट करता हूं, थोड़ा सा नीचे करता हूं क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, इसलिए मैं टाइटल हटा दिया था इसलिए। और एक बार और फॉर्मेट पे जाता हूं और इसको सिलेक्ट करके यहां लेता हूं 50%। अब यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे देता हूं 50%, 60%, अब मैंने 0, 50, 100, आप यहीं पे 10, 20, 50 भी इसी तरह से आप कर सकते हैं, ये थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसको भी कर सकते हैं इस तरह से, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके ये जो आपका दिख रहा है 20%, इसके जगह पे मैं इस 20% को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ और +11 में जाके चार्ट टाइटल देता हूँ, तो देखेंगे चार्ट टाइटल आपका 20% आएगा। अब इसको 20% को उठा के मैंने यहाँ नीचे कर दिया कि कितना परसेंट होने वाला, तो ये आपका इसको थोड़ा सा बड़ा भी करना चाहे तो बड़ा कर सकते हैं। चार्ट की जो पीछे का बैकग्राउंड कलर है उसको कर देता हूँ मैं नो फिल, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि पूरा बड़ा चार्ट है, छोटा सा चार्ट ही देखिए, बॉर्डर वगैरह भी आप इस तरह से हटा सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्पीडोमीटर कैसे बनाएंगे। जी हाँ, स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर में सबसे पहले तो हमें मीटर बनाना होगा। अब आपको देखना है कि आपको 360 डिग्री का, 360 डिग्री का बनाना या 180 डिग्री का बनाना। फिलहाल मैं 180 डिग्री का बना रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 10, 20, 30, ये कितना होगा टोटल 60 डिग्री, और फिर यहाँ पे 40, तो ये सब मिलाया कितना हुआ 100 हुआ। चार पार्टीशन मुझे, चार अलग मीटर चाहिए, और फिर यहाँ पे नीचे हम कर देते हैं 100, और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में आने के बाद मैं यहाँ चार्ट में डोनट चार्ट यूज करता हूँ। डोनट चार्ट यूज करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं चला गया इसको सेलेक्ट करके इसके सीरीज ऑप्शन में, और एंगल ऑफ स्लाइस को 270 डिग्री पे रोटेट किया ताकि नीचे वाला पोर्शन जो हमने 100 दिया था वो आ जाए नीचे, क्योंकि 380 डिग्री नहीं, 360 डिग्री कर रहा हूं मैं इसलिए। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो फिल है इस फिल को कर देता हूं नो फिल। तो आप देख सकते हैं 10, 10 का, 20 का, 30 का और 40 का, ये आपको यहाँ पे मेरा मीटर बन चुका है। चार्ट टाइटल हटा देता हूँ और इसके ऊपर डेटा लेवल ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड डेटा लेवल कर दीजिए ताकि 20, 30, 40 इस तरह से लिखा हुआ आ जाए, और 100 नीचे है इसको हटा देता हूँ या हटा दीजिए, रहना है इसको रखना है। तो ये तो बन गया मीटर, अब मुझे इसके अंदर कांटा बनाना है, तो कांटा बनाना है
तो क्या करें, ये जो 25 के अकॉर्डिंग काटा दिखना चाहिए ना मेरा, तो इसको हम करते हैं कि सबसे पहले इस 25 को करते हैं सेलेक्ट, फिर काटा की साइज कितना बनाना चाहिए, 5 दे दिया। अब इन दोनों को मिला के टोटल कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। तो मैं यहां पे सम, और सम में इसको सेलेक्ट किया और माइनस सम, सम से 30 आया सम करने के बाद, और इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसी इसी के अंदर, अब अलग से नहीं करना मुझे, इसी के अंदर करना है। राइट क्लिक, ऐड सीरीज, यहाँ पे सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट डेटा में यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हमने सीरीज नेम छोड़ दीजिए जरूरी नहीं है, इक्वल हम इन तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड ओके एंड ओके। अब इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, चेंज सीरीज चार्ट टाइप, चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे करना है, और इसको सीरीज टू जो है हमारा है, सीरीज वन तो है, सीरीज टू जो है इसको कर देना है मुझे ये वाला चार्ट, ये वाला इस वाला चार्ट, कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब यहाँ पे ओके करते हैं, फिर हमने इसको सेलेक्ट किया और इसकी ऑप्शन पे गया, इसकी स्लाइस को, एंगल ऑफ स्लाइस को 270 डिग्री रोटेट किया, ताकि जो हमारा डिनर था उसके अकॉर्डिंग बन जाए। उसके बाद हमने पहले सीरीज को सेलेक्ट किया और इसको किया फिल, नो फिल, और यहाँ पे नो बॉर्डर, सॉरी पूरा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ हमें गलत हो गया, कंट्रोल जेड करने दीजिए। हाँ तो इसमें हमें सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है नीचे वाले को, और इसको करना है फिल, नो फिल, और फिर ये जो बड़ा एरिया है इसको सेलेक्ट करना है, इसको करना है नो फिल, इसको सेलेक्ट करना है, इसको भी करना है नो फिल, और 5 के जगह पे मैं इसको 10 करता हूँ। हाँ ये जो लाइनिंग है, ये बॉर्डर है ना, इसकी बॉर्डर, एक मिनट, 1 2 3, पांच करते हैं, हाँ 5, इसकी कलर रहने देते हैं, इसकी कलर को कर देते हैं सॉलिड फिल, हाँ ब्लैक, ब्लैक ही सही रहेगा, और 5 ज्यादा है, ओके इसमें हम 100 कर देते हैं, 100 माइनस, अब सही है, 5 की जगह करते हैं 2, 2 सही है, लेकिन हमने 25 रखा हुआ है और 30 पे चला गया, सही है, नहीं 35 पे चला गया ना, इसका एंगल ऑफ स्लाइस 270 डिग्री है, और इसका एंगल ऑफ स्लाइस, हाँ इसको सेलेक्ट करते, एक मिनट रुक जाइए, इसको सेलेक्ट किया राइट क्लिक करके फॉर्म में डेटा सीरीज में जाते हैं, ये चेंज सेलेक्ट डेटा, और ये जो एडिट है ना इसके जगह पे हम, एक मिनट इसको एडिट नहीं, हम इसका इसका लेते हैं, इसके एडिट पे आते हैं सीरीज टू को, इसको सेलेक्ट कर लेते, फर्क नहीं पड़ा, अब मुझे इसकी एंगल को उसी हिसाब से मैच करना हुआ, ये 270 तो ये भी है, 270 ये भी है, प्लस 10, अब इसी तरह से मैच करना होगा, +20, यहाँ पे +50 करते हैं, इसको प्लस करना था 100 में से, इसको यहाँ पे 25 के आसपास आ गया, 100 जो माइनस किए हुए हैं उसको हटा देते हैं, नहीं 100 माइनस करने पे प्रॉब्लम हो जाता है, और
यहां पे इसको सेलेक्ट करके माइनस, मेरे भी गलत, तो जो 100 माइनस था वही सही है। अब 25 आ गया, अब मैं यहां पे रखता हूँ 30, तो आप देखते हैं 30 पे आ गया। 40 तो सिक्सटी पे आया। आप सोचेंगे सर एक मिनट एक मिनट, यहां पे अगर मैं 25 रखा तो आप देखें यहां पे कर रहा है, बोले सर 20 में नहीं है, तो बेसिकली ये 10 है, 10 का बस 20 का मीटर है, तो 20 जो मीटर आपका दिख रहा है एक्चुअल में 20 नहीं, 20 प्लस 10 30 हो गया ना। तो आप इसी हिसाब से इसकी जो नंबर्स है उसी हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आप कर सकते हैं, और इस तरह से मीटर को आप बना सकते हो। यहाँ मीटर को, मीटर के साइज को बढ़ाना है तो ये वाली साइज बढ़ाएंगे तो आपका मीटर का साइज बढ़ जाएगा। आप चाहते हैं जो व्हाइट आ रहा है व्हाइट ना दिखे, तो इसको दो बार इसको क्लिक कीजिए और फिल में जाके नो बॉर्डर कर दीजिए, तो फिर ये आपका ये भी नहीं आएगा। एक तरह से आपका ये मीटर तैयार है। अगर मैं यहाँ पे इसको एक कर देता हूं तो क्या होगा, अब पूरी तरह मीटर से लग रहा है। अब बोले सर इसमें एरो होना चाहिए था, इसमें जो है इस तरह से ये नहीं, एरो के फॉर्मेट में होना चाहिए था। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे इलस्ट्रेशन में आइए, शेप्स में आइए और एक अच्छा सा एरो देख लीजिए, जैसे कि हमने इसी को देख लिया, इस वाले एरो, और एरो कर दिया हमने इस तरह से डिजाइन, और इसका कलर कर दिया ब्लैक, और इसको कॉपी किया, कॉपी करके हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको दो बार सिर्फ इसको सेलेक्ट करते हैं, फिल में आते हैं और पिक्चर्स क्लिपबोर्ड, तो ये आ गया। लेकिन ये जो है हमारा ओवरलैप तो क्यों हो रहा है, एक मिनट, इसकी ट्रांसपेरेंसी जो फिल्म के अंदर आते हैं, सॉलिड फिल्म, सॉरी गलत सेलेक्ट हो गया, कि यहाँ पे 1 पे क्लिक कर, 1 अब यहां से दिक्कत हो रहा है, तो फॉर्मेट में आते हैं चार्ट एरिया, और चार्ट एरिया में आते हैं और हम यहाँ पे सीरीज 1 को सिलेक्ट करते हैं। अब सीरीज 1 सिलेक्ट हुआ, अब सीरीज 1 में यहाँ जो ट्रांसपेरेंसी है उसको यहाँ से हम बढ़ा देते हैं, इसे इधर हमने बॉर्डर की ट्रांसपेरेंसी बनाई, माफ कीजिएगा, हम यहाँ पे इसको कम कलर कोई और करता हूँ, अब इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देते हैं। नहीं ये पिक्चर नहीं दिख रहा है, ये पिक्चर जो है इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो जो पहले था वही ठीक था। सॉलिड फिल ये ठीक है, क्योंकि ये जब टेढ़ा सीधा होगा तो सही दिखेगा। अगर इसे कंट्रोल जेड कहते हैं, अगर मैं इसको 60 करता हूँ, 50 सॉरी 50, तो देखिए पूरा सीधा दिखेगा, वो जो एंगल टेढ़ा होगा ना तो थोड़ा सा कट जाएगा, तो उसी हिसाब से देख लीजिएगा, बाकी सब ठीक है इसका। चलिए तो आज की टॉपिक में हम स्पीडोमीटर और चार्ट की टाइल्स के बारे में जाना, अगले वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे
और थी नए चार्ट के फॉर्मूले के बारे में।